हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कर रहे थे कुछ कैपिटल स्ट्रक्चरिंग थ्योरीज कैपिटल स्ट्रक्चरिंग थ्योरीज में हमने अभी तक पढ़ी है नेट इनकम अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच और साथ ही एम एम हाइपोथिस सभी पे बेस्ड हमने पहले थ्योरी देखी मैंने कुछ स्लाइड्स भी प्रपेयर करी थी आपके लिए मीनिएचर uh, वर्जन में और हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए उन थ्योरी से रिलेटेड फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए करवाएरी ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह का एक और इलस्ट्रेशन है यहाँ पर जो मैं आपको सोल्व करवाना चाहता हूँ मॉड्यूल के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के साथ दे रखा था कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के साथ दे रखा था इसलिए इसका नंबर अभी आ रहा है का as such नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन के बाद बची हुई दो थ्योरीज और हैं दोस्तों वो थ्योरीज भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो बिल्कुल थ्योरिटिकल है उनसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि उन्होंने वैल्युएशन का एक्चुअली कोई प्रैक्टिकल प्रिंसिपल दिया ही नहीं है तो वो भी हम सोल्व कर लेंगे फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उनसे हल्का सा नॉचअप है थोड़ा टाइम लगेगा। such, कोई uh, कॉम्प्लिकेटेड इस क्वेश्चन में चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी ने हमें प्रोवाइड किए प्रॉफिट दे रखा है टू लैख सिक्सेंड का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दे रखे हैं 12% का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 60000 का एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ दिस इंटरेस्ट वी गेट बेसिकली आई कैन से दैट दिस इज अर्निंग बिफोर टैक्स एंड दिस वाज ईबीआईटी है ना अ अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स सबट्रैक्ट किया है 50% वन लाख ,00 का तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 1 लाख ,00 रुपीस का इसके बाद कोई कोई वगैरह कैपिटल नहीं है तो का रखिए फिलहाल जो मार्केट में प्राइस चल रही है इस 25, तो इन्होंने खुद ने अपना प्राइस अर्निंग रेशियो अभी कंप्यूट करके दिया है प्राइस अर्निंग रेशियो इज मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर वो आ रहा है टेन का राइट right? तो प्राइस अर्निंग हमें पता है कि हम प्राइस अर्निंग रेशियो को अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट प्राइस ऑप्टेन कर सकते हैं अगर किसी इंडस्ट्री का या किसी कंपनी का आपको प्राइस अर्निंग रेशियो पता हो और आपको उस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली अगर किसी कंपनी का इवेल्यूएशन करना हो और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आप उसका अर्निंग पर शेयर ऑप्टेन कर सकते हैं उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड से जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं और फिर उस

प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ दे रखा है तो हमार, हमारी जो डिसीजन मेकिंग होगी दोस्तों दैट वुड बी नॉट ऑन ऑन दी दी अर्निंग अर्निंग पर पर शेयर शेयर बट मार्केट प्राइस प्राइस उसके लिए हमें रेशियो चाहिएगा क्वेश्चन के अंदर इनकम स्टेटमेंट लगभग पूरी बना के हमें दे दी है फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी है अभी तक देखते हैं आगे और क्या कुछ इन्होंने बताया है द कंपनी हैज हैजिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स ऑफ सिक्स लाख थैंक यू वेरी मच सिक्स लाख रुपीज के इनके पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी पड़े हैं

उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अप्लाई कर दूंगा करने है कि को करना चाहिए या नहीं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि नए प्रपोजल से कितना रिटर्न आने वाला है वो रिटर्न निकालने के लिए इन्होंने कहा है कि अभी जिस रेट से अर्न कर रहे थे नया प्रपोजल भी उसी रेट से अर्न करेगा तो उसके लिए मुझे प्रेजेंट रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी प्रेजेंट रेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्रॉफिट्स तो पता है ईबीआईटी तो पता है पर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता है सो आई एम कंप्यूटिंग द प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड माय फर्स्ट वर्किंग नोट वुड बी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड राइट तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर सबसे पहले आ जाएगा इक्विटी Uh, साथ ही रिटेन अर्निंग्स भी हैं रिटेन अर्निंग्स भी हैं और इन्होंने डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है तो ऑफकोर्स डिवेंचर्स भी होंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर तो डिवेंचर्स भी होंगे एंड दैट इज इट कोई प्रेफरेंस कैपिटल वगैरह नहीं है

और डिबेंचर्स के लिए सिंपल सा सिचुएशन है कि इंटरेस्ट हमें बता रखा है 60000 का और रेट हमें पता है 12% की तो क्या डिबेंचर्स रहे होंगे जिनका 12% 60000 होता है तो मैं 60000 को बेसिकली कैपिटलाइज कर देता हूं हमने पहले भी किया है कुछ दफा 60000 डिवाइडेड बाय 12% तो 60000 डिवाइडेड बाय 12% इज बेसिकली 5 लाख रुपीस राइट तो जो टोटल है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड प्रेजेंट में वो आ जाएगी सिक्स प्लस फोर टेन प्लस फाइव फिफ्टीन लाख रुपीज की तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटली विच वुड बी इक्वल टू वेरी सिंपल ई बी आई टी बाई

जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चल रहा है दोस्तों 17.33% इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आगे देखते हैं अब क्या बोला है जो न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उस पर भी इसी रेट से आप अर्न करने वाले हैं तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू एबिट आफ्टर एक्सपेंशन एक्सपेंशन करने के बाद कितना एबिट रहेगा न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड जो हो जाएगी दोस्तों प्रेजेंट में आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख ,00 की पर 15 लाख ,00 में आप 2 लाख ,00 रुपए और ऐड कर देंगे क्योंकि उतना पैसा आपको एक्सपेंशन के लिए चाहिए तो आपका नया कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 17 लाख ,00 रुपीस का तो न्यू ईबीआईटी वुड बी 17 लाख इनटू 17.33% why i am doing so because it has been provided in the question that the new project would earn at the same rate as that the company is doing in the present scenario so 17 lakh into 17 point that is 2 lakh 94667 that would be the new earning <laughs> I am taking the absolute figure, आप 600 भी ले सकते हैं 67 रुपीस का कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं. नहीं करनी है है. किसी को करके नहीं देनी ठीक है. थीके? तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई नया जो प्रपोजल आएगा दो लाख का उस पर हम अर्न करेंगे उसके बाद हम अर्न करने लगेंगे टू लैख सिक्सटी थाउजेंड की बजाय टू लाख नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड इतना हमारा इंक्रीज हो जाएगा देखते हैं आगे क्या और इंफॉर्मेशन दे रखी है यू आर इन्फॉर्मड दैट अ डेट इक्विटी रेशियो व्हिच इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी तो ये डेट अपॉन वैल्यू की बात कर रहा है डेट इक्विटी रेशियो मोर देन 35% विल पुश द प्राइस अर्निंग रेशियो डाउन टू 8 अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा हो गया मतलब टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में 35% से 35% से ज्यादा डेट हो जाएगा तो आपका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो दस की जगह आठ का ही रह जाएगा इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल और जो भी एडिशनल अमाउंट आप बोरो करोगे इंटरेस्ट रेट जो है वो 14 तक कर देगा। आपको प्रोबेबल प्राइस ऑफ़ द शेयर पता करनी है राइट right, दोस्तों तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम देखते हैं कि जो दो प्रोबेबल सिचुएशन है उनमें अच्छा दो क्या हैं जब जब की तरह जो जो है यानी ये equity share तो है, दो लाख रुपए ये से किया है है तो सा आपको लाख रुपए चाहिए के लिए आपके पास दो ऑप्शन है एक आप क्या करिए डेट रेस कर लीजिए और दूसरा आप क्या करिए इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए दोनों में से किसी भी सिचुएशन में अगर थर्टी फाइव परसेंट से ज्यादा चला जाता है डेट अपॉन वैल्यू का प्रपोर्शन तो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो आठ पे आ जाएगा अदरवाइज दस पर ही रहेगा मोस्ट ऑब्वियस चांसेस डेट रेस करने पर ही होंगे कि ये डेट इक्विटी रेशियो 35 परसेंट से ज्यादा चला जाएगा तो मैं दोनों ही सिनेरियोज में डेट इक्विटी रेशियो डेट अपॉन वैल्यू रेशियो कैलकुलेट करके बता देता हूँ तो अनदर वर्किंग नोट दैट वी वुड नीड इज कम्प्यूटेशन ऑफ डेट टू वैल्यू रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस जो हैं आपके पास वन इज डेट एंड अदर इज इक्विटी इसमें जो कैपिटल रहेगी वो ऐसी रहेगी कि देखिए प्रेजेंट में जो इक्विटी कैपिटल है डेट के सिचुएशन में वो अनचेंज रहेगी यानी अभी भी चार लाख की है और वो डेट में भी चार लाख की ही रहेगी बट इफ यू गो फॉर इक्विटी द एडिशनल टू लाख वुड बी रेज थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड आई एम अज्यूमिंग दैट वी वुड नॉट बी एमिंग आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड वी वुड बी इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर कैश खैर क्वेश्चन में कहा भी है कि इशूइंग इक्विटी शेयर तो ये चार लाख से बढ़कर चार से बढ़कर सिक्स लाख हो जाएगी दो लाख के इक्विटी शेयर और बढ़ जाएंगे

और वो सिक्स लाख ,00 की सिक्स लाख ,00 ही रहनी है अगर आप एडिशनल फंड डेट से रेस करें या एडिशनल फंड इक्विटी से रेस करें रिटेन को आप ऑल्टर नहीं करने वाले हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निकल जाएगी हमारी यहाँ पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड और आई शुड से टोटल वैल्यू बहुत ही सिंपल है दोस्तों दो लाख रुपए बढ़ जाएगी पंद्रह लाख ,00 थी अब उसकी जगह सत्रह लाख ,00 हो जाएगी अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर डेट टू वैल्यू रेशियो परसेंटेज फॉर्म में निकालूंगा क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसा कहा है यहां पर जो है डेट वाली सिचुएशन में वैल्यू है सेवनटीन ,00 लाख ,00 की so, इधर आ रहा है फोर्टी वन पॉइंट वन सेवन परसेंट ठीक है

अब हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशियो आ चुका है हमारे पास ई आ चुका है और हमारे पास दो प्रपोजल्स हैं दोनों प्रपोजल्स में चलिए हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं अर्निंग पर शेयर को प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम मार्केट प्राइस निकालेंगे और जिस भी प्रपोजल में मार्केट प्राइस ज्यादा आ रही होगी वो प्रपोजल हम सेलेक्ट कर लेंगे तो चलिए इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस अंडर टू फाइनेंशियल ठीक है ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इज ऑफ डेट एंड सेकेंड ऑप्शन इज ऑफ इक्विटी राइट फ्रेंड्स इसके अंदर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स दे रखा है जो हमने कैलकुलेट किया था

Present में जो डेट है लगेगा, as simple as that. यहां पर जब आप debt raise करेंगे, तो present interest तो आपको पे करना ही है क्वेश्चन में एक और बात कही थी वो ये, ये बोली थी कि अगर आपका जो डेट टू वैल्यू रेशी फाइव परसेंट से ज्यादा हो जाता है तो एडिशनल डेट जो है वो आपको एडिशनल डेट जो है वो आपको फोर्टीन uh, परसेंट पर मिलेगा देखिए आई हैव दिस क्वेश्चन इन द पास्ट एंड आई हैव मेड टू मेड माय स्टूडेंट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द पास्ट तो कई बार कुछ बच्चों ने एक लीप और एक मोर इलेबरेट कंक्लूजन निकाला इंटरप्रिटेशन निकाला इस लाइन का उन्होंने कहा कि सर डेट इक्विटी रेशियो जब तक थर्टी है तब तक वाला डेट तो मुझे ट्वेल्व पर ही मिलेगा बट उसके बियॉन्ड वाला जो डेट है

तो यहाँ पे सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर जब भी आपका 35% हो जाता है तो एडिशनल सम दैट दिस लाख वुड कम एट अ कॉस्ट ऑफ, एक्सक्यूज मी 14%। तो जो प्रेजेंट में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं प्रेजेंट डेट पे वो तो है ही और जो एडिशनल डेट है टू लाख का उस पे आपको 14% की रेट देनी पड़ेगी रादर देन 12% तो 28,000 का इंटरेस्ट और लग जाएगा इक्विटी वाली सिचुएशन में प्रेजेंट इंटरेस्ट पे करना है बट कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है ये दोनों करके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा उधर तो यहाँ हो जाएगा टू लैख सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स इसमें से हम सप्रैक्ट कर देंगे tax, that is at the rate 50%. तो कर देंगे उसके बाद जो बचेगा दैट वुड बी वन लाख थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री पॉइंट फाइव इक्विटी वाली सिचुएशन में देख लेते हैं टू लैख थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स डिवाइडेड बाय टू

आपको दो लाख रुपए नए चाहिए और जो नया इशू आएगा वो ट्वेंटी तो ,00 ,00 आपके नए इक्विटी शेयर आ जाएंगे तो टोटल इक्विटी शेयर हो जाएंगे ये करने के बाद हमें पता पड़ जाएगा अर्निंग पर शेयर उेंड थ्री हंड्रेड थर्टी यहाँ पर पर शेयर आ रहा है जो इक्विटी वाली सिचुएशन है है पे डिवाइडेड शेयर्स तो इधर आ रहा है and 4. इसको मैं प्राइस से मल्टीप्लाई पी ई रेशो जो हमने कैलकुलेट किया था कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशो निकाल कर डेट से तो हमने देखा था कि डेट वाली सिचुएशन में जो प्राइस अर्निंग रेशो है दैट कम्स डाउन टू एट बट इन केस ऑफ इक्विटी वहां पर क्योंकि हमारा डेट इक्विटी डेट टू वैल्यू रेशो 35 परसेंट के नीचे ही था तो वहां पर ये टेन ही रहेगा तो प्रॉबेबल मार्केट प्राइस से हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर रहेगा कौन सा प्रपोजल बेटर रहेगा बेसिकली प्रोजेक्ट तो सेम है तो 2.5833 पॉइंट एट यहाँ पर जो रूलिंग मार्केट प्राइस आएगी हमारी वो आएगी ट्वेंटी और यहाँ पर आ जाएगी 24.44 24.44 फोर फकोर्स इट्स वेरी एविडेंट के मार्केट प्राइस जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो इक्विटी वाली फाइनेंस में हो रहा है सिंस मैक्सिमम मार्केट प्राइज इज इनकेस ऑफ इक्विटी फाइनेंस इक्विटी वुड बी यूज्ड टू एक्सपेंशन इक्विटी वुड बी यूज्ड टू फाइनेंस द एक्सपेंशन सो ऑल द वर्क सी ऑल दो बेटर जो अर्निंग पर शेयर आ रहा था वो डेट के केस में आ रहा था बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क आपका प्राइस अर्निंग रेशियो पुल डाउन हो गया और उससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हैम्पर हो गया इसलिए जो बेटर बना बना वो इक्विटी नॉर्मली स्पीकिंग अगर सिर्फ पर शेयर से जजमेंट किया जाता तो डेट वाला फाइनेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर तो अगर सिर्फ डेट फाइनेंस करने से सब बेटर बेटर ही होता ऑफ कोर्स इन एनी केस जो हमारा फर्स्ट प्रपोजल है वही बेस्ट निकल के आता बट ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि डेट आप कर रहे बियॉन्ड एन ऑप्टिमम लेवल तो उसकी वजह से मार्केट परसेप्शन डाउन डाउन हो हो रहा है आपका प्राइस अर्निंग रेशियो पुल गया दस की जगह आठ आ गया तो उससे जो आपकी मार्केट प्राइस है वो लो हो गई क्योंकि जैसे ही आप डेट रेस करते हैं तो मार्केट के अंदर आपके शेयर्स की सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी कंसिडरिंग के इन्वेस्टर्स जो हैं उनका परसेप्शन बढ़े बनेगा कि अब इस कंपनी में रिस्क है तो वो शेयर्स बेचना चालू कर देंगे आपकी कंपनी के और फिर आपकी मार्केट प्राइस पुल डाउन हो जाएगी दोस्तों तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इसके बाद मुझे कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी समझानी है जो मैं समझा रहा हूँ अभी इस वीडियो में मैं मॉड्यूल को अभी शो करने लगूंगा आपकी स्क्रीन पर तो चलिए आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क मी आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प इससे सिमिलर एक क्वेश्चन है शायद मेरे पास जो मैं इस स्लाइड के साथ देने वाला हूं आप प्लीज उसे ट्राई करिएगा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन की और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का ये ऑलमोस्ट बेंच मार्क क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है चलिए अब कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज जो बची हैं उन्हें निपटा लेते हैं सो हियर्स इज द फर्स्ट थ्योरी दैट वी नीड टू डू कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी सभी बताती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चरिंग आपकी मार्केट वैल्यूएशन को अफेक्ट करता है या नहीं ऐसी बातें करती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज तो इसमें फर्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं पहले बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं अब हम एक और एडिशनल थ्योरी कर रहे हैं एक्सक्यूज मी फॉर दैट वन बिट दैट थ्योरी इज ट्रेड ऑफ थ्योरी सो ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या बोलती है ट्रेड ऑफ थ्योरी एज द नेम सजेस्ट ये बताती है एक ट्रेड ऑफ

इक्विटी तो फाइनेंस करना ही अगर कुछ नहीं बचता है अगर आपको फाइनेंस की जरूरत है तो और कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आएगा तो आप इक्विटी फाइनेंस ही करेंगे बट इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन कब तक ले जाएंगे ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकलीफ कॉस्ट ऑफ डेट है उनको उनकी कॉस्ट से कंपेयर करेंगे अब यहाँ पे बेनिफिट्स और कॉस्ट हैं इनमें कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी कंसिडर किए इन्होंने और कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी कंसिडर किए प्रैक्टिकल बेनिफिट से मेरा क्या मतलब है प्रैक्टिकल या थोरिटिकल बेनिफिट्स और कॉस्ट को भी कंसिडर किया है जैसे आ, जैसे फॉर एक्साम्पल सिंपल टर्म्स में बात करू डेट और इक्विटी की बात करूँ तो हम फाइनेंशियल परसपेक्टिव में जब तक बात करते थे दोस्तों तब तक हम सिंपली इतना सोचते थे कि डेट चीप पड़ता है डेट का एम्प्लॉयमेंट अच्छा है इक्विटी महंगा पड़ता है बट अगर इसके थ्योरिटिकल परसपेक्टिव पे जाऊँ थोड़े लीगल परसपेक्टिव पे जाऊँ तो इक्विटी रेस करने से ओनरशिप में शेयर देना पड़ता है डेट में चार्ज क्रिएट होता है ठीक है डेट की वजह से आपकी क्रेडिट बोरो uh, करने की जो पॉसिबिलिटी है वो डे बाई डे रिड्यूस होती रहती है एक लिमिट है जितना आप बोरो कर सकते हैं एट अ गुड इंटरेस्ट रेट वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती रहती है तो बेसिकली इनको वैल्यू करना है आपको ट्रेड ऑफ थ्योरी प्राइमरी डील्स विद टू कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड एजेंसी कॉस्ट ये दोनों ही डिसएडवांटेजेस पोजीशन है जब आप डेट बोरो करेंगे और डेट बोरो करने की वजह से जो disadvantages implications आ सकते हैं उसको इन्होंने दो में दूसरी है एजेंसी कॉस्ट दोनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो है वो डिसएडवांटेजेस पोजिशन है जब डेट एक्स्ट्रा डेट बोरो करने की वजह से एक्स्ट्रा डेट बोरो करने की वजह से आपकी कंपनी एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में पहुंच जाती है या बैंक्रेप्सी के क्लोज पहुंच जाती है या बैंकक्रप्ट हो जाती है उसकी वजह से जो खर्चे आएंगे उनकी ये बात कर रहे हैं क्या-क्या हो सकते हैं देखिए स्टाफ को लगेगा कि ये कंपनी अब अच्छी नहीं है ये कंपनी डूब रही है स्टाफ आपकी कंपनी छोड़ के जाने लगेगा जो सप्लायर्स uh, हैं वो आपको अच्छी क्रेडिट टर्म्स नहीं देंगे आपसे एक्स्ट्रा प्राइस डिमांड करने लगेंगे क्योंकि उन्हें खतरा होगा कि इस कंपनी से हो सकता है कि ये बैंक के क्लोज है हमारा डेट डूब जाए ठीक है डिसडवास पेमेंट टर्म्स देंगे आपको अच्छी पेमेंट टर्म्स नहीं देंगे आपसे जल्दी पैसा मांगेंगे आपको आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगर आप डेफर्ड पेमेंट करते हैं तो बॉन्ड होल्डर्स जो हैं स्टॉक होल्डर्स जो हैं इनके बीच में भी डिसएग्रीमेंट चालू हो सकता है बॉन्ड होल्डर्स को लगेगा कि हमारा पेमेंट सेफ कर लें

डिस्ट्रेस बिटवीन uh, uh, दू पोलर या डू टू पॉल बेर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन uh, को चला कर ले जाते हैं जो ड्राइवर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल को जो कंट्रोल करते हैं उनके बीच में डिस्ट्रेस आ सकता है देखिए उस सिचुएशन में क्या होगा एजेंसी कॉस्ट के अंदर क्या होगा एजेंसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है

शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पाएंगे और शेयर होल्डर्स मैनेजर्स के ऑपरेशन में उनकी वर्किंग्स में बार बार इंटरफेरेंस करना चालू कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल जनरल मीटिंग कॉल कर करके एंड देर आर वेरियस अदर वेज विद विच द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी कैन बी डिस्टर्ब So, एक ये एजेंसी प्रॉब्लम आ सकता है दूसरा शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है फॉर द सिंपल रीजन डेट होल्डर्स अपना इंटरेस्ट अपना सम रिकवर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और शेयर होल्डर्स डिफेंसिव हो जाएंगे वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिकवरी उनको भी मिले और डेट होल्डर्स को थोड़ा लॉस बेयर करना पड़े इस तरह की कोशिशों में वो भी लग जाएंगे ठीक है ना

और इस इस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट को भी आप कंपेयर करेंगे टैक्स शील्ड कर तो डेट के एडवांटेजेस भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रही है और डेट से लगने वाली जो कॉस्ट है, distress, agency, वो भी बढ़ रही है। course, इसके कुछ कॉस्ट को पे वैल्यू करना पड़ेगा वो बहुत ही सब्जेक्टिव है क्योंकि

और वो लेवल जहां पर ये दोनों चीजें एक्सेप्टेबल लेवल पे आती है कि हाँ इतना बेनिफिट मुझे चलेगा और उसके अगेंस्ट कॉस्ट दोनों का आप एक ट्रेड ऑफ देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पर एडवांटेजेस जो हैं वो कॉस्ट से ज्यादा है उस लेवल पे आप रुक जाइए जो आपके लिए एक्सेप्टेबल है दोनों एक पॉइंट पे स्ट्राइक हो रही है वो भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि अगर दोनों स्ट्राइक हो रही हो मतलब कॉस्ट और बेनिफिट एक दूसरे से कट ऑफ हो रहे हैं तो फिर आप इक्विटी फाइनेंशियल लीजिए बेनिफिट ज्यादा रहने चाहिए कॉस्ट से बट जो 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 बेनिफिट्स हैं वो एक सफिशियंट अमाउंट से ज्यादा हो वो एक्सेप्टेबल लेवल हो जाएगा वो लेवल ऑफ डेट आप बोरो कर लीजिए वो आपको ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेट फाइनेंस मिल जाएगा वो इस ग्राफ से सिंपली डिपिक्टेड uh, है तो एक्स एक्सेस अमाउंट दिखाए हैं एक तो टैक्स की प्रेजेंट वैल्यू का और एक दिखाया है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कॉस्ट का दैट लेवल जहाँ पर जो दो ये दोनों का लेवल uh, एक्सेप्टेबल होता है उस जगह पर आप रुक जाएंगे और वो आपका डेट इक्विटी लेवल डिसाइड हो जाएगा आई होप ये जो ट्रेड ऑफ थ्योरी आपको समझ में आई होगी सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपके अंदर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक्सप्लेन करना है सबसे पहले कॉस्ट जो एसोसिएटेड होती है उसमें आप डिस्ट्रेस कॉस्ट एक्सप्लेन करेंगे फिर एजेंसी कॉस्ट एक्सप्लेन करेंगे फिर आप एडवांटेज एक्सप्लेन करेंगे एडवांटेज में आप बताएंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ

और मैनेजर जो होंगे वो डेट को करने के रहेंगे या रहेंगे। अगर वो को कर है, तो इशू तो तो करेंगे एज लॉन्ग एज इंटरनल फाइनेंसिंग इनसफिशिएंट पड़ती है इक्विटी रेस करनी पड़ेगी तो उन्हें इशू नहीं होगा क्योंकि रिटेन अर्निंग से इक्विटी करने में उनकी ओनरशिप स्टेक को कुछ भी प्रॉब्लम uh, नहीं आएगा उन्हें डिसीजन मेकिंग में कुछ भी कंट्रोल नहीं देने की जरूरत है क्योंकि प्रेजेंट लोग ही होंगे जो नए इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे मतलब उनका इक्विटी स्टेक बढ़ जाएगा बट अगर uh, नया इशू करना पड़ेगा तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मैनेजर्स को क्योंकि वो कंट्रोल नहीं देना चाहते हैं कंट्रोल अपने पास ही रखना चाहते हैं तो अगर फ्यूचर अर्निंग्स को लेकर पॉजिटिव हो तो आप डेट रेस कर लोगे क्योंकि अगर डिबेंचर दे, होल्डर्स को डेट होल्डर्स को उनका पेमेंट बराबर मिल रहा है तो कोई तकलीफ नहीं आएगी और अगर हमारी फ्यूचर को लेकर हम पॉजिटिव नहीं है तो हम इंटरनल फाइनेंस की तरफ जाएंगे इंटरनल जाए, राइट तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग मैनेजर की चॉइस से अफेक्ट होता है ये बोलती है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी मैनेजर क्या चाहता है वो बताया जाएगा हाइएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और uh,

जरूरत पड़ी तो हम फ्रेश इशू की तरफ जाएंगे दो तरह के इंटरनल फाइनेंसिंग होती है इक्विटी uh, फाइनेंसिंग होती है एक इंटरनल इक्विटी एंड एक्सटर्नल इक्विटी इंटरनल इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब रिटेन अर्निंग एम्प्लॉय कर देना और एक्सटर्नल हो गया मतलब फ्रेश इशू लाना डेट जो होता है वो चीपर होता है ऑफकोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी से बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट फर्दर इंटरनल इक्विटी इज लेस देन एक्सटर्नल इक्विटी जो इंटरनल इक्विटी की कॉस्ट है वो भी लेस रहती है एक्सटर्नल इक्विटी से क्योंकि उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती है

क्योंकि घर का ही पैसा है और हमारी ओनरशिप रहेगी ना ओनरशिप में शेयर देना है और कॉस्ट भी कंपेरेटिवली कम पड़ती है इसके बाद आ जाएंगे आप डेट पर डेट को इसलिए प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ओनरशिप कंट्रोल कम जाता है और ये सस्ता भी पड़ता है और अगर डेट भी नहीं हो पाएगा सफिशियंट तो फिर आप इक्विटी पे जाएंगे इसके अंदर डिसएडवांटेजेस पोजीशन है कॉस्ट भी ज्यादा रहेगी और ओनरशिप में भी शेयर देना पड़ेगा

और इससे पहले जो एम एम हाइपोथिस थी वो ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी ही है बट इसके अंदर आर्बिट्रेज के थ्रू बताया कि क्यों डेट इम्प्लॉय करने की वजह से कोई एडवांटेजेस पोजीशन नहीं आती वैल्यूएशन में क्योंकि आर्बिट्रेज होना स्टार्ट हो जाता है सेलिंग ऑफ स्टार्ट हो जाता है लीवर्ड कंपनी के शेयर बिकने चालू हो जाएंगे और अनलिवर्ड कंपनी की डिमांड बढ़ जाएगी और इनकी मार्केट प्राइस पैरिटी पे आ जाएगी ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी ऐसा बोलती है कि भैया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट के एम्प्लॉयमेंट से नहीं बदलती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आता है और ना ही वैल्यूएशन ऑफ फर्म में भी चेंज आता है क्योंकि करने से जो आपको मिलेगी, वो से हो जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ी थी view, बोलता है कि थोड़े टाइम तक आप कंपनी की शुरुआती दिनों में जब आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक डेट इम्प्लॉय करने से आपको एडवांटेज मिलेगा तो वहां पर आप एडिशनल डेट इम्प्लॉय करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट कॉन्स्टेंट रहेगी आप ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाएंगे उसके बाद अगर आप डेट इम्प्लॉय करते हैं तो डेट की वजह से जो एडवांटेजेस पोजीशन आपको मिलेगी वो ट्रेड ऑफ हो जाएगा विद द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो वहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होती रहेगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और के डी कॉन्स्टेंट रहेगी और उसके बियॉन्ड जाते हैं ऑप्टिमम लेवल के बाद तो के डी भी इंक्रीज होना चालू हो जाएगा क्योंकि डेट वालों को भी अब रिस्क लगने लगेगा आपकी कंपनी में वो भी रिस्क आपका शेयर करने आ जाएंगे तो उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी इक्विटी की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी और ओवरऑल मार्केट वैल्यू डिक्लाइन करेगी अगर आप और डेट रेस करते हैं तो नेट इनकम ऑपरेटिंग इनकम स्टेज सिंपल बोलती है कि भैया डेट एम्प्लॉयमेंट करने से एडवांटेजेस नहीं मिलती है और इनकम अप्रोच बोलती है कि डेट एम्प्लॉय करते जाओ जितना डेट एम्प्लॉय करोगे उतना एडवांटेज मिलेगा के ई -E और के डी कॉन्स्टेंट रहते हैं और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन करेगी अगर आप डेट रेस करेंगे तो ये थी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर दोस्तों और इसके साथ हमने कुछ प्रैक्टिकल इन से आगे आने वाले में मैं बचे प्रैक्टिकल पोर्शन कम रहा है थ्योरेटिकल है एक चैप्टर पूरा रहा है थ्योरेटिकल वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से और उसके बाद हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाइंड अप हो जाएगा आप साथ के साथ क्वेश्चन करते रहिएगा अगर इस स्लाइड के साथ आई एम गोइंग विद एन अगर Uh, I do remember के आज जो मैंने एक एक कराया उससे similar मेरे पास एक question है तो अगर उससे सिमिलर क्वेश्चन में स्लाइड के साथ दूँ तो जरूर से आप ट्राई करिएगा उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है feel free to ask me. अगले session में हम जल्दी मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए बाय आई विश नाउ